हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिमीज फाइन डाइन। आज मैं लेकर आई हूँ 5 मिनट्स ब्रेकफास्ट रेसिपी, और ये रेसिपी मेरी बड़ी माँ की है। वो अक्सर बचपन में हमें जब भी कहीं जाने की जल्दी होती थी तो यही वाली रेसिपी बनाकर खिलाती थी। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून भर के चीनी और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और कटा हरा धनिया और 1 हरी मिर्च डाला है मैंने। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बैटर को बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी होगी। अगर बैटर बहुत ज़्यादा पतला हुआ तो वो तवे से चिपकने लगेगी, और अगर गलती से बहुत ज़्यादा पतला हो भी गया हो तो आप थोड़ा और आटा ऐड करके उसे मीडियम कंसिस्टेंसी पे ला सकते हैं। तो बैटर बिल्कुल रेडी है, मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और इसमें मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, और मैं बैटर को इस तरह से फैलाते हुए डाल रही हूँ, और मैं साइड्स में थोड़ा और घी डाल रही हूँ ताकि ये चिपके ना। और अब मैं इसे पलट दूँगी तो देखिए कितनी इजीली ये निकल आ रही है, और अब ऊपर से घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पलटने के बाद। ये तो प्लेन वाली थी, और अब मैं चीज़ वाली चीज़ा बनाऊँगी। 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ, और बैटर को सेम तरीके से डालना है। ये आधी पक चुकी है, तो मैं 1 चीज़ क्यूब डाल रही हूँ ग्रेट करके, और अब ये एक साइड से पक चुकी है, चीज़ भी मेल्ट हो रही है, तो मैं इसे फोल्ड कर दे रही हूँ, और इस तरह से पलट के एक बार सेक लेना है। और अब ये रेडी है, तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से चीज़ कितने अच्छे तरह से मेल्ट हुई है, और ये बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये काफ़ी हेल्दी भी है उनके लिए। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दे, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।